गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, जिसके सारे फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। इसमें से रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल के फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पेरीमीटर और एरिया निकलता है। अभी आपको जो पढ़ना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम इस शेप का होता है, ये इसका बेस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पैरेलल लाइंस के बीच में होती है वो उसकी हाइट होती है, तो इस फॉर्मूले से निकलता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इस शेप का होता है, उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एक पेयर जो होती है आमने सामने की पैरेलल होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आई हाइट, हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच की, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल का सिंबल है, आपको 11 नहीं पढ़ना है इसको। पैरेलल साइड्स का सम यानी अगर ये साइड का मेजर ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया, यानी हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, या फिर शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच इंटू ए प्लस बी बाई टू, हाफ को हम नीचे टू ले आएंगे। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल था उसमें आपको डायगनल दिया होता है और हाइट एच वन और एच टू दी होती है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, ये डी जो है डायगनल है और एच वन और एच टू इसकी हाइट्स है। और इसी तरह से रोम्बस का होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, जहाँ पे डी वन और डी टू इसकी डायगनल्स होती है। तो ये आपको एरिया और फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, उसका फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, जो आपको एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट ये तीन चीज़ें आपको नोटबुक में न्यू लिखनी हैं, जो कल नहीं दी थी मैंने आपको। एक तो होता है कि अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000, एक और जीरो लगाएंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये लिखना है। 1 मीटर क्यूब में 1 × 6 × 0 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी 1,000 लीटर हो जाएगा ये। और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर, मिलीलीटर का है, दोनों सेम ही होता है, 1:1 होता है। ये आप यूनिट्स लिख लीजिए जो सम करते वक्त आपको काम आएंगे। ये सारे फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा, और लास्ट में ये जरूर लिख लीजिएगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि स्क्वायर शेप का फिगर दिया है और एक रेक्टेंगल शेप का फिगर दिया है, और आपको बोला है कि इन दोनों में से किसका एरिया ग्रेटर है। तो स्क्वायर के लिए तो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है और रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है, लेकिन यहाँ पे बी हमको दिया हुआ नहीं है, और साथ में ये भी लिखा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो इस पेरीमीटर की मदद से पहले हमको इसकी ब्रेथ निकालनी पड़ेगी और फिर हम एरिया निकाल पाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको पता है कि इसमें क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दिया है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो एरिया किसका ज़्यादा है वो बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से पहले हम अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे 4 × साइड करके, वो 240 मीटर आएगा, और यही पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का रख के मिसिंग वैल्यू बी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर में यही वैल्यू रखेंगे क्योंकि दोनों सेम दिया हुआ है, और 2 × लेंथ है 80, बी नहीं है, तो बी ऐसा कैसा लिख लिया, तो 240 = 2 × 80 और 2 × B हो जाएगा, क्योंकि 2 से B को भी करना है और 2 से 80 को भी, तो 240 meter = 160 + 2B। अब इस 160 को उस तरफ ले जाएंगे, 240 - 160 होगा, मैंने पलट लिया है, तो 2B की वैल्यू 80 आएगी, तो B की वैल्यू 80/2 यानी 40 मीटर आ जाएगी। यानी हमारी मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको पेरीमीटर से मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो जो दिया है उसका फॉर्मूला लगा के मिसिंग वैल्यू निकालेंगे हम। कि पहले आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए, फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर में यही पेरीमीटर रखते हुए इस साइड, और मिसिंग वैल्यू बी ब्रेथ निकाल लीजिए। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, तो 60 दिया हुआ था, तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 स्क्वायर मीटर आएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, तो 80 मीटर दिया हुआ था लेंथ, और हमने ब्रेथ निकाली थी 40, तो 40 के हिसाब से 80 × 40 करेंगे जब हम, तो 32 स्क्वायर मीटर आएगा। तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर हुआ? स्क्वायर वाला ग्रेटर हुआ, क्योंकि 3600 इज ग्रेटर देन 3200, सो हम लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर हैज द लार्जर एरिया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये सारे सम ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिलेशन लगा के और फिर उसकी वैल्यूज निकालनी होती है। अगर डायरेक्टली यहाँ 60, 80 और 40 दिया होता तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल के एरिया का फॉर्मूला लगाते, स्क्वायर का साइड इंटू साइड और इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, ये मिसिंग है, और दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूले से पहले हम ब्रेथ निकालेंगे और फिर हम एरिया निकालेंगे। ये चीज़ आपको इस तरह से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर टू में आपको एक प्लॉट दिया हुआ है। ये प्लॉट 25x25 का है, यानी स्क्वायर शेप का प्लॉट है। इसके अंदर हाउस बनाया है जिसका की लेंथ और ब्रेथ दिया है 20 और 15, यानी ये रेक्टेंगल हुआ क्योंकि दोनों का मेजर अलग अलग है लेंथ ब्रेथ का। अब आपको बोल रहे हैं कि ये बीच में जो गार्डन बनाया है उसका एरिया कितना होगा, मतलब बाहर प्लॉट है, सेंटर में हाउस है और उन दोनों के बीच का पार्ट जो है वो आपको निकालना है। तो इसमें कैसा होता है, आप पहले प्लॉट का एरिया निकाल लीजिए, फिर प्लॉट का एरिया स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्मूले से निकलेगा और वो, उसके बाद आप हाउस का एरिया निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पे आपका बीच का गार्डन का एरिया आ जाएगा। देखिए पहले हमने हाउस का निकाला एरिया, और हाउस क्योंकि रेक्टेंगल था ये, तो एल इन टू बी लगा के एरिया ऑफ, क्योंकि ये 15 है और ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये 300 स्क्वायर मीटर आया। और पूरे प्लॉट का एरिया जो है स्क्वायर शेप है, इसलिए साइड इन टू साइड से निकाला तो 625 स्क्वायर मीटर आया। अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ गार्डन आएगा, तो एरिया ऑफ गार्डन में प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस करेंगे तो 325 स्क्वायर मीटर आएगा। तो क्वेश्चन यही था कि पहले तो आपको गार्डन बताना है कि गार्डन जो बना है वो कितने एरिया में बना है, और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर, हमारा कितना आया 325 मीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा आया है 325, और ई कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन पर मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 55, तो 1 मीटर स्क्वायर का 55 है, तो 325 का निकालने के लिए 55 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन 325 मीटर स्क्वायर के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आंसर ₹17,875। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं कि बीच का एरिया आपको निकाल के कॉस्ट वगैरह निकालनी हो, तो बाहर वाले का एरिया और अंदर वाले का एरिया निकाल के पहले देखना है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्या है, और फिर उसके बाद दोनों के एरिया को माइनस करेंगे तो गार्डन का एरिया आएगा। उसको जो भी गार्डन का एरिया एरिया मीटर स्क्वायर में आया है, मीटर स्क्वायर बोलिए या स्क्वायर मीटर बोलिए एक ही बात है, तो मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का ₹55 है, 55 रुपीज़, तो 325 के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक शेप दिया हुआ है आपको, ये गार्डन का शेप है, रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कल एट द एंड ऑफ द एंड एज शोन इन द फिगर, यानी बीच में रेक्टेंगल है और साइड साइड में सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल क्यों है, क्योंकि आधा सर्कल बना है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, आपको एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालनी है इस गार्डन की। अब जब फिगर देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है, और ये जो सेमी सर्कल है वो ये 7 है, यानी 7 क्या हो गया इसका डायामीटर हो गया। तो डायामीटर है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, डायामीटर का आधा होगा, क्योंकि पूरा जो होता है सर्कल वो पूरा 7 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 7 दिया हुआ है। अब डायामीटर और ये वाला पार्ट कितना होगा, 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 3.5 मीटर, यानी इधर से अगर हमको रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी हो तो 3.5 इधर से कम होगा और 3.5 इधर से कम होगा, क्योंकि ये 20 पूरा है लेकिन रेक्टेंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक ही है। तो हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, तो हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ये वाले सेमी सर्कल और ये वाले सेमी सर्कल, यानी दो सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे फॉर्मूले से, और फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा इस फिगर का, इस गार्डन का एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये 20 जो लेंथ दी है पूरी यहाँ से यहाँ तक दी है, और दूसरी चीज़ जो डायामीटर दिया है वो 7 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी, तो ये 3.5 तो इधर भी 3.5, यानी अब अगर हमको रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है, हम एरिया निकालते हैं क्योंकि एरिया और ऑफ गार्डन एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन दोनों निकालना है। अब पहले रेक्टेंगल की लेंथ निकालेंगे तो 20 जो पूरी दी है उसमें से माइनस 3.5 प्लस 3.5, ये देखिए 20 पूरे में से ये वाला 3.5 और ये वाला 3.9 दोनों को प्लस करके, और फिर 20 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, क्योंकि 3.5 इधर से भी माइनस करना है, 3.5 इधर से भी माइनस करना है, तो 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 यानी 20 माइनस 7 हो जाएगा, तो 13 मीटर जो है लेंथ आएगी, और ब्रेथ जो इसकी दी है वो 7 दी है यहाँ से यहाँ तक, तो ब्रेथ 7 हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी के हिसाब से 13 इंटू 7, तो 91 मीटर स्क्वायर आएगा। और एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल निकालना है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, क्योंकि सर्कल क्या है पूरा होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। आप फॉर्मूले में देखिएगा, मैंने निकाला लिखाया है आपको, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर,
क्योंकि ये सर्कल आधा है, सेमी सर्कल है, इसलिए हाफ कर देंगे उसको। और साथ ही दो सेमी सर्कल है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो दोनों का हम साथ में ही निकाल लेंगे, दोनों का एरिया सेम ही आएगा। तो 2 × 2 सेमी सर्कल है इसलिए 2, और पूरे सर्कल का आधा सेमी सर्कल होगा, तो पूरे सर्कल का आधा एरिया कर देंगे, तो यानी हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 2 × ½ × πr² जब करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो खाली पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है, और आर हमारा 3.5 आया था, 3.5 × 3.5 क्योंकि आर स्क्वायर है, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा, 7 × 5 = 35। इस 10 को हम नहीं काटेंगे, इसको 100 और डॉट पॉइंट लगाने में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे बचा 25 × 5 = 110 × 35 / 10 × 10 = 100। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 3850 आता है, और 3850 के हिसाब से अगर आप एक जीरो से एक जीरो काट दें यहाँ पे ये, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, यानी 38.5 मीटर इसका स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा 2 सेमी सर्कल्स का। पहले तो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, लेंथ निकाल के, और फिर सेमी सर्कल का एरिया निकाला, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का उसका आधा हो जाएगा, आधा आधा फिगर है तो, और 2 सेमी सर्कल से इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब टोटल एरिया जो गार्डन का होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था 91 और सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल का एरिया था 38.5, दोनों को जब प्लस करेंगे तो 129.5 मीटर² इसका एरिया है। यानी इस तरह से आपको फिगर को स्प्लिट करना होता है, और स्प्लिट करके उसका अलग अलग पार्ट का एरिया निकाल के, और फिर आपको प्लस करना होता है। इसी तरह से आप पेरीमीटर ऑफ द गार्डन निकालना है। तो पहले जब आपने फिगर देखा था कि बीच का पार्ट भी था, लेकिन बीच के पार्ट का हमको कोई काम नहीं है, पेरीमीटर यानी चारों ओर की बाउंड्री का प्लस होता है, तो इसलिए मैंने ये फिर से फिगर बनाया है। अब उसमें हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये 13 आया हुआ था, और ये भी यहाँ से यहाँ तक हमारा 13 ही था। तो ये दो साइड तो हमको पता है। अब हमको इतना आधा आधा सेमी सर्कल का जो है सर्कमफेरेंस होता है, ये पेरीमीटर यानी सर्कल के शेप में वो क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगेगा। अब पेरीमीटर जो होता है सर्कल का 2πr होता है, लेकिन यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, लेकिन हमको सेमी सर्कल का निकालना है, तो इसको भी हाफ करेंगे हम, 2πr को हाफ करेंगे तो ओनली πr बचेगा। और क्योंकि 2 सेमी सर्कल एक इधर, तो 2 × πr करना पड़ेगा। सेमी सर्कल का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होता है। वो कैसे आता है, हाफ इंटू 2πr करते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो ये पाई आर हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू 2πr से 2 कट के पाई आर हो जाता है ये। तो इसलिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस पाई आर होगा, और क्योंकि दोनों साइड सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 22/7 × r था 33.5, पॉइंट उड़ाया 10, 7 × 5 = 35, फिर इसको जब काटा तो 2 से काटा था, 2 × 5 = 10, तो ये 5 और 5 कट गए, तो बचा ओनली 22 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, ये दोनों साइड का 22 प्लस ये 13 और ये 13, क्योंकि दोनों का हमने साथ में ही निकाल लिया था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम निकाल चुके हैं, तो वो कितना आया हमारा 22 मीटर, प्लस इधर 13 है इधर 13 है, तो क्या हो जाएगा 22 + 13 = 13 को प्लस करेंगे तो 48 मीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये चारों आपको प्लस करने थे, तो इस तरह से इसका पेरीमीटर आएगा 48 मीटर। ये देख लीजिए सम वापस से, आराम से लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ही सिंपल है। एक फ्लोरिंग टाइल है, जो टाइल्स लगाते हैं फ्लोर पे, उसका शेप पैरेललोग्राम का दिया हुआ है, और उसकी जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर दी है। तो इस तरह से कितनी टाइल्स लगेगी एक फ्लोर को कवर करने के लिए, जिसका कि एरिया 1080 यानी 1080 मीटर² है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, यानी रूम का एरिया आपको दिया हुआ है और आपको एक टाइल का एरिया दिया हुआ है,
यानी रूम की एरिया में अगर टाइल का एरिया डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ टाइल्स मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा तो वो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरिया को भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 मीटर × 1 मीटर × 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्लोर जो हमको दिया हुआ है उसको 10,000, क्योंकि सीधा ही चलना है मीटर को सेंटीमीटर में, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 और 480 आ जाएंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम शेप है तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो 24 × 10 करेंगे तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड करना होता है। तो 1080 को 240 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 44,000 टाइल्स आएगी, यानी इस एरिया में अगर हमको इस शेप की पैरेललोग्राम शेप की टाइल्स लगानी है तो 45,000 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये कटिंग आप खुद करके देखिएगा, जीरो से जीरो काट के और बाकी सारे चीज़ें काट के, टू से काटिएगा उस तरह से आप काटेंगे, फिर सिक्स से काटा है मैंने तो उस तरह से आप कटिंग जब करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ टाइल्स पूछे ना तो पूरे रूम के या फ्लोर, जो भी रूम या फ्लोर दिया है उसके एरिया को टाइल्स के एरिया से आपको डिवाइड करना होता है। खाली ध्यान ये रखना होता है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो वो 100 × 100 होकर 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें एक चींटी है, आंट है, जो कि किसी फूड के चारों ओर घूम रही है, फूड पीसेस रखे हुए हैं अलग अलग शेप के, उसके चारों तरफ घूम रही है। अब उसको आपको ये बताना है कि कौन से शेप के चारों तरफ घूमने में उसको लॉन्गर रोड कवर करनी होगी, लॉन्गर डिस्टेंस कवर करनी होगी या लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा। तो ये फिगर अगर आप देखेंगे कि इसमें घूम रही है तो यानी यहाँ से पेरीमीटर ही निकलेगा, क्योंकि ये चारों तरफ घूम रही है तो यहाँ से घूमेगी, ऐसे जाएगी, तो ये तो आपको 2.8 दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इसका जो है पेरीमीटर निकालना होगा, सरकमफ्रेंस निकालना होगा, ये वाला पार्ट सरकमफ्रेंस निकालना होगा और ये उसमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये तो यहाँ ऐसे चल के जाएगी फिर यहाँ जाएगी, तो ये तो पूरा सीधा दिया हुआ है 2.8, लेकिन ये जो है सरकमफ्रेंस है सर्कल का, यानी पेरीमीटर निकालना है। तो पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पूरा 2.8 है तो इसका रेडियस जो होगा उसका आधा होगा, तो 2.8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई एंड जो होगा वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस 2.8 सेंटीमीटर, ये जो नीचे का है, क्योंकि यहाँ से ऐसे जाएगी ना, तो ये तो सर्कमफ्रेंस है लेकिन ये तो ऐड होगा अलग से, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस 2.8 सेंटीमीटर को ऐड करना है। तो सर्कमफ्रेंस के लिए मैंने यहाँ पे वैसे तो पाई आर बताया था आपको, तो आप डायरेक्ट पाई आर भी लगा सकते हैं, या फिर 2 पाई आर का आधा होता है क्योंकि सेमी सर्कल है, तो आप पाई आर प्लस 2.8 सेंटीमीटर करेंगे तो 22/7 और आर था 1.4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो प्लस ये करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ 10 है तो 7 × 2 = 40, 22 × 2 = 44/10 प्लस 2.8 सेंटीमीटर, ये 44/10 यानी 4.4 हो गया पॉइंट लगाया तो, प्लस 2.8 इसको प्लस करने पे आएगा 7.2 सेंटीमीटर, यानी इस फिगर के चारों तरफ घूमने में उसको 7.2 सेंटीमीटर का ये पार्ट कवर करना होगा राउंड में। दूसरा फिगर जो है वो इस टाइप का दिया है फूड का, उसमें ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 2.8 है, यानी तीन साइड तो आप प्लस कर सकते हैं लेकिन चौथी साइड के लिए वापस सर्कमफ्रेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें भी आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, यानी 2.8 दिया है तो इसका जो आर हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर हुआ। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल वही पाई आर होता है, क्योंकि हाफ इंटू 2 पाई आर करेंगे तो 2 करके पाई आर बनता है, तो 22/7 × 1.4 तो सॉल्व करने पे 4.4 सेंटीमीटर जैसे ऊपर आया था वही आएगा। अब उसको जो डिस्टेंस कवर करना होगा, ये इसका आया 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, तो सबको जब ऐड करेंगे तो 10.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा फिगर नंबर बी का। नेक्स्ट थर्ड फिगर में फूड का शेप इस तरह का है, जिसमें ये 2 है ये 2 है, तो वापस हमको इसके लिए सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, तो सेम आएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 1.4, तो सर्कमफ्रेंस पाई आर यानी वही 4.4 सेंटीमीटर आएगा, तो 4.4 इसका हुआ प्लस 2 प्लस 2,
जब इसको ऐड करेंगे तो 8.4 सेंटीमीटर आएगा। तो इन तीनों फूड पीसेस में से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसको किसके चारों तरफ चलना पड़ा, फिगर बी के, क्योंकि उसका पेरीमीटर इसका सबसे ज़्यादा था डिस्टेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे सो फॉर द फूड पीस बी द आंट हैव टू कवर या द आंट हैज टू टेक अ लॉन्गर डिस्टेंस लॉन्गर राउंड। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि किस फूड पीस के चारों तरफ घूमने में उसको ज़्यादा राउंड लेना पड़ेगा। तो राउंड चारों तरफ की बात हो रही थी इसलिए पेरीमीटर ही निकलेगा, और क्योंकि सर्कल शेप सर्कुलर सेमी सर्कल शेप था इसलिए उसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं जब बाउंड्री की बात होती है। अगर एरिया की बात होती, अंदर की पार्ट की बात होती तो एरिया निकालते थे। ये पांच क्वेश्चन आपको फॉर्मूले के हिसाब से मैंने समझाए, जो आपको बड़े ही ध्यान से समझ के करने हैं। पहले फॉर्मूले सारी रीड कीजिए, लर्न कीजिए और फिर एक्सरसाइज को कीजिए। थैंक यू।